अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास फोर्थ लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेंसिल कलर वाटर पेंसिल कलर का यूज़ करना सीखा था, याद है? क्लास फोर्थ जो आज का टॉपिक है वो है स्पेसशिप। आज हम लोग स्पेसशिप ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे बनानी है, उसे कैसे कलर करना है, कैसे वाटर अप्लाई करना है, इन सब पे। तो बहुत ही केयरफुली देखिएगा और मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा। तो अपनी बुक्स, अपनी आर्ट बुक, पेंसिल, स्केल, इरेज़र एंड पेंसिल वाटर कलर सब कुछ आपके पास आपकी टेबल पर होना चाहिए, ठीक है? चलिए, सो फर्स्ट ड्रॉ मार्जिन्स ऑन ऑल द फोर साइड्स। ये तो आप सब जानते हैं ना कि अपनी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम सबको अपने पेपर पे मार्जिन्स ड्रॉ करनी होती हैं। चलिए मार्जिन ड्रॉ करिए मेरे साथ साथ। क्लास विदाउट मार्जिन कोई भी अपना वर्क स्टार्ट नहीं करेगा, आप सबको पता है ना। मेरी मार्जिन तो कंप्लीट हो गई है, आपकी मार्जिन हो गई? Now start from here. Plus मैं यहाँ पे ये तो points रख रही हूँ, sorry इसके नीचे रखते हो। आपको ये दो points नज़र आ रहे हैं, इस point मत दीजिएगा। ये दो points जो नीचे वाले हैं, ये दो points नज़र आ रहे हैं। First of all, to make a curve line from this point to this point, like this. After that, we will make half circle from here to here. फिर से सुन लीजिए, पहले आप दो पॉइंट्स रखेंगे ये दोनों, ठीक है? फिर एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व लाइन है, ठीक है? फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे जो आपने मार्क किया था उस पॉइंट से एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। नाउ डबल दिस लाइन, ये जो कर्व लाइन ड्रॉ की थी इसी लाइन को हम लोग डबल कर देंगे हाफ। आप लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करोगे और हाफ राइट हैंड साइड से ड्रॉ करते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देना है। क्लास में पेन का यूज़ कर रही हूँ तो मेरा जो एक्स्ट्रा पेन है ये मैं इरेज नहीं कर पाऊँगी। अगर आपका एक्स्ट्रा कहीं भी पेंसिल से निकल जाता है तो आप उसे इरेज कर लीजिए, ठीक है? अब यहीं से लेफ्ट हैंड साइड के इस पॉइंट से, ये जो मैंने यहाँ रखा है, एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक 2 सेंटीमीटर। आपकी जो लाइन है 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, चाहे देख लीजिए इस तरह से 2 सेंटीमीटर, 0 to 2 सेंटीमीटर, या मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है तो 0 to 3 ये वाला मार्क कीजिए करके 0 to 3। सेम आपको राइट हैंड साइड पर ड्रॉ करना है, इसके लिए आप अपनी पेज को टर्न कर लीजिए और इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। आपकी दोनों साइड इस तरह से स्लैंट लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए। ड्रॉ कर ली सबने? नाउ टर्न योर कॉपी
लाइक दिस। आपको एक ओवल शेप की तरह लाइन ड्रॉ करनी, कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम इसे क्लोज करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखिए ना, अगेन टर्न यू पेज, इस तरह से अपने पेज को सीधा कर लीजिए। ना ड्रॉ अगेन स्लैंट लाइन बोथ साइड। फिर से अपना पेपर टर्न कीजिए और इस लाइन को भी दोनों साइड से क्लोज कर लीजिए। अब आपका ये जो ये वाला पार्ट है, वन सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो थर्ड वाला पार्ट है, इसे हम फोर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वन टू एंड थ्री, फोर पार्ट में डिवाइड करना है तो हम थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे और हमें फोर पार्ट मिल जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। नाउ मेक स्मॉल सर्कल्स इन दिस पार्ट। Like this. Now make half circle on the left side. Sorry, right side. Again, draw half circle on the left side. Now make landing gears. सेम जैसा हमने लेफ्ट साइड ड्रॉ किया है, उसी तरह से हम राइट हैंड साइड भी ड्रॉ करेंगे स्लैंट लाइन ड्रॉ करते हुए। क्लास फोर्थ, आप सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबका ड्रॉ हो गया है। Now make antenna from here. Draw two slant line and make circle on the top like this. Finally, the spaceship sketch is complete. Now, let's start coloring. Class 4th, use pencil watercolor. आप क्लास फोर्थ में हैं, आपको सिंपल पेंसिल कलर यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप सिंपल पेंसिल वाटर कलर यूज़ करेंगे तो फिर आप वाटर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इस पिक्चर में आपको वाटर अप्लाई करना मस्ट है। फर्स्ट आई mention all the colors, whole picture, उसके बाद कलरिंग स्टार्ट करेंगे। येलो कलर यूज फॉर द सर्कल, डार्क ब्लू फॉर हेयर, डार्क ब्लू अगेन फॉर हेयर एंड डार्क ब्लू फॉर हेयर। दिखाई दे रहा है? नाउ लाइट ब्लू इन द ग्लास पार्ट। आपने स्पेसशिप में देखा होगा, एक ग्लास पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट, तो हम यहाँ पर कोई और कलर कर देंगे तो वो ट्रांसपेरेंट लुक नहीं नज़र आएगा, इसलिए
ट्रांसपेरेंट लुक देने के लिए हम लाइट ब्लू कलर करेंगे। आपने देखा होगा बस या जो भी व्हीकल्स होती हैं, कार, बस, ट्रक, उन सब में जो मिरर पार्ट होता है, ग्लास पार्ट होता है, उसमें लाइट ब्लू कलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम ग्लास पार्ट लाइट ब्लू कलर यूज़ करेंगे। अगेन सॉरी, ऑरेंज कलर यूज़ फॉर स्मॉल सर्कल्स। रेड लाइट ग्रीन यूज़ फॉर हेयर। डार्क ग्रीन फॉर दिस पार्ट। नाउ स्टार्ट कलरिंग। फर्स्ट आई कंप्लीट दिस सर्कल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लाइट ब्लू सॉरी डार्क ब्लू ये वर्टिकल डायरेक्शन में था, स्लैंटिंग सॉरी स्टैंडिंग लाइन में, इसलिए हमने यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में किया है। देन ये लाइन जो हमारी डबल लाइन थी, कर्व लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे। क्लास मेरे साथ साथ कंप्लीट करते चलिए। यहाँ भी हम लोगों ने डार्क ब्लू कलर यूज़ किया था, इसलिए इसे भी फिल कर लेते हैं। लाइट ब्लू सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लास में आपको वाटर अप्लाई करना है, तो अगर बाय चांस आपका कहीं कलर स्किप हो भी जाता है पूरे पार्ट में तो कोई बात नहीं, वाटर्स को इक्वली मिक्स कर देता है सब तरफ। यू लाइट ग्रीन कलर इसमें पहले आप आउटलाइन कर लीजिए ताकि आपका कलर आउटसाइड ना निकले। क्लास डायरेक्शन चेंज मत करिएगा, अगर आपका डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर वाटर अप्लाई करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी जो पिक्चर होगी उसमें कहीं स्पॉटिंग आ जाएगी डायरेक्शन की वजह से। इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यूज़ करिए और अपना वाटर भी आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही अप्लाई कीजिएगा।
देखिए मेरा ग्रीन कलर भी कंप्लीट हो गया है, आप सबका भी आई होप कंप्लीट हो गया होगा। नाउ यूज डार्क ग्रीन। क्लास मैंने इसमें आउटलाइन नहीं की है पहले, तो अगर आप कोई डर है कि आपका कलर बाहर निकल जाएगा तो आप पहले आउटलाइन कर लीजिएगा। क्लास सर्कल में अपने हैंड को इस तरह से रोटेशन करते हुए मैं इसको फिल कर रही हूँ। मैं हैंड रोटेट करते हुए, देखिए तो आप भी इसी तरह से फिल कर लीजिए, जैसे आपको सही लगे वैसे करिएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपका कलर पिक्चर के आउटसाइड नहीं जाना चाहिए। फाइनली द कलरिंग इज कंप्लीट। नाउ अप्लाई द वाटर। आई यूज पैलेट फॉर वाटर। आप भी इस तरह से पैलेट का या किसी भी बोल में वाटर लेकर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट डिप योर ब्रश इन वाटर एंड सोक फ्रॉम द अदर साइड एंड अप्लाई ऑन द पेपर वेरी केयरफुली। पहले आउटलाइंस को कवर कर लीजिएगा। क्लासी वाटर कलर्स हैं, तो अगर आप दूसरे कलर में, अगर आपका ये दूसरे पार्ट में अगर आपका कलर आ जाएगा तो उसमें इफ़ेक्ट आ जाएगा, तो बहुत केयरफुली यूज़ कीजिएगा। फर्स्ट मेरा पार्ट वाटर अप्लाई हो गया है, सेकेंड हमारा डार्क ब्लू है, तो इसकी भी पहले हम आउटलाइन करेंगे। जहाँ भी आपका वाइट पोर्शन होगा तो वो इससे फिल कर देगा। क्लास ध्यान रखिएगा कि अपना वेट हैंड अपने पेपर पे मत रखिएगा। अगर आपका वेट हैंड पेपर पे जाएगा तो आपका पेपर को अनटाइडी कर देगा। कलरिंग करते वक्त ये ध्यान भी रखिएगा कि आपका पेपर बहुत नीट रहे, नीटनेस के भी मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे करते क्या है, वाटर अप्लाई करते वक्त आपका हाथ कलर में, अपना हाथ कलर पे रख देते हैं इस तरह से, उसके बाद फिर आपके हैंड में कलर लगा होता है, फिर आपका वाटर में इस तरह से आप ब्रश पे फिंगर्स पे आपका वाटर लगता है, फिर आप पेपर पे रख देते हैं, इस तरह से पूरा पेपर बहुत अनटाइडी हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि आपका पेपर अनटाइडी ना होने पाए, कि क्या फर्स्ट टाइम पेंसिल वाटर कलर यूज़ कर रहे हो तो आप रफ पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्री टाइम हो आप तो आप अपने कलर से कोई भी शेप में कलर करिए, शेप ड्रॉ करिए, कलर करिए, कलर करने के बाद उसमें वाटर अप्लाई करके प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका हैंड सेट हो जाए वाटर अप्लाई करने में। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप वाटर अप्लाई कर पाएंगे और आपकी वाटर पिक्चर में स्पॉटिंग भी नहीं आएगी।
फर्स्ट टाइम आप लोग कलर यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर बच्चों की पेपर में स्पॉटिंग आ जाती है, कहीं डार्क होता है, कहीं लाइट होता है, इक्वली आपका कलर डिवाइड नहीं हो पाता। कि मेरा ग्रीन कलर भी कंप्लीट हो गया है। और हर बार जब भी आप नए कलर में वाटर अप्लाई करें तो अपने ब्रश को अच्छे से पहले वॉश कर लें। मुझे यहाँ पे कॉर्नर्स में वाटर अप्लाई करना था तो आप अपने पेपर को भी इस तरह से टर्न कर लीजिए और उसके बाद वाटर अप्लाई करिए तो आपको जो आउटलाइन है वो आपको अच्छे से दिखेगी, तो आपका कलर बाहर नहीं जाएगा। वाटर करते वक्त ये जितने भी बिग पार्ट्स थे मैंने इस फ्लैट ब्रश का 4 नंबर ब्रश का यूज़ किया था। जब स्मॉल पार्ट में वाटर अप्लाई करिए तो स्मॉल नंबर के ब्रश का यूज़ करिए। जैसे अब जो स्मॉल सर्किल है यहाँ पे मैं राउंड ब्रश में वाटर अप्लाई कर रही हूँ जो 4 नंबर है, जो आपको इसी बॉक्स कलर बॉक्स के साथ मिला होगा। बस मेरे साथ साथ वाटर अप्लाई करिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा। जब आपका पूरा वाटर अप्लाई हो जाए तो उसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने ड्राई नहीं होने दिया और उसके ऊपर ऐसे ही हैंड रख दिया तो आपका पूरा जो वाटर है कहीं पे अगर आपका ड्राई नहीं हुआ है तो सारी कलरिंग आपकी स्प्रेड हो जाएगी और आपका पेपर भी अनटाइटी हो जाएगा और आपने जो पिक्चर ड्रॉ करी है वो भी बहुत मैसी सी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पहले पूरी पिक्चर ड्राई कर लेनी है, उसके बाद ही आपको उसको टच करना है। क्लास आफ्टर कंप्लीट द कलरिंग एंड वाटर देन आउटलाइन द पिक्चर केयरफुली विथ ब्लैक स्केच पेन। आपका ब्लैक कलर जो पेंसिल वाटर कलर का ब्लैक कलर है वो इसके ऊपर अच्छे से आउटलाइन नहीं कर पाएगा, इसीलिए पेंसिल वाटर कलर पर आउटलाइन करने के लिए ब्लैक स्केच पेन या ब्लैक मार्कर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करके मैं इसकी आउटलाइन कर रही हूँ, आप भी ब्लैक स्केच पेन से इसकी आउटलाइन करिए।
प्लस वाटर अप्लाई करने के बाद पिक्चर बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। पेंसिल वाटर कलर तो वैसे भी पोस्टर कलर जैसे लुक देते हैं, बस यह है कि ये बहुत इजी अप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग। पोस्टर कलर भी हम लोग अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप लोग। इसलिए ये पेंसिल वाटर कलर उसी के फॉर्म में बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। मुझे तो ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आप सबको भी कलर्स अच्छे लगते होंगे। देखिए हमारी पिक्चर तो कंप्लीट हो गई है। नाउ राइट द नेम फ्रॉम हियर स्पेसशिप। आई होप आप सबको पिक्चर अच्छी लगी होगी। इसी पिक्चर्स की दोबारा भी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।